बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ चिकन एग रोल रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इवनिंग स्नैक में आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें मैं दो अंडे ऐड कर लूँगी। दो अदद अंडे जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे मैंने अंडे ऐड कर लिए हैं। अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें एक कप दूध ऐड कर रही हूँ। खुला दूध है मैंने यूज़ किया, आप दूसरा भी कर सकते हैं टेट्रा पैक का। इसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/4 मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है, 1/4 कप। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि लंप ना बने। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से मज़ीद हम इसे विस्क कर लेंगे ताकि गुठलियाँ जो है वो ना बने। चूल्हे पे पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके बैटर ऐड कर दिया है। जब वो कुक हो गया है एक साइड से, तो मैंने इसे टर्न करना है। अब तो यहाँ पर मैं इसे टर्न कर रही हूँ, हल्के हाथों से करना है ताकि ये टूटे ना। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम चिकन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 1 पाव चिकन ऐड कर लिया है। चिकन को मैं वाइट कर लूँगी पिंक से, यहाँ पे वाइट हो गया है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो, आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो है वो मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे जो है चिकन रेडी हो गया। मैं इसे शेड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं शेडेड कर लिया है सारे चिकन को। अब मैंने इसमें 1/2 कप कैरेट ऐड कर दी है। इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे 2 मिनट, क्योंकि गाजर ज़्यादा टाइम लेती है थोड़ा। तो इसके बाद मैंने 1/2 कप शिमला मिर्च ऐड कर दी है और 1/2 कप ही मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी है। इन चीज़ों का अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया सोया सॉस और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। तो ये हमारी रेडी हो गया है मसाला। अब फिलिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फिलिंग रख ली है शीट पे। इसे रोल कर लेंगे हाथों की मदद से, सॉफ्ट हैंड से, ताकि ये टूटे ना। तो आपने सेम इसी तरीके से करना है, सिंपल रोल की तरह से हम इसे रोल करेंगे। और यहाँ पे अब हम बैटर लगा लेंगे। मैदे और पानी को मिक्स करके मैंने बैटर बना लिया था, वो लगा लिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे मैदे में कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं मैदे में कोट कर रही हूँ, आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अच्छे तरीके से हम इसे कोट कर लेंगे। इसके बाद एग में डिप कर लेंगे। एग में अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने डिप कर लिया है, सारी तरफ लगाना है। अंडा भी हमने, अब हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही क्रंची से अच्छे से बनेंगे ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चूल्हा पे मैंने ऑन किया हुआ था, ऑयल मैंने ऐड कर दिया है उसमें। यहाँ पे अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है रोल ऐड कर दिए हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी, लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, वरना ये ब्रेड क्रम्स जो है वो जल जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, रोल हमारे रेडी हो गए हैं। निकाल लेंगे इन्हें और सर्व करेंगे। तो देखिए रोल हमारे चाइनीज़ चिकन एग रोल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी।